हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीईटी के पेपर फर्स्ट शिफ्ट के इंग्लिश का सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सेंटेंस लेवल एज पी क्यू आर एस है। ये पी क्यू आर एस है और इसको मीनिंगफुल सेंटेंस में हमें कन्वर्ट करना है। और कैसे करना है अभी ये आप सोल्व करके देखना और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आप पोज करके। अभी आपको देखना क्या है इसमें पी क्यू आर एस ऑप्शन। अभी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चेक करने वाले हैं इसको। आपको सबसे पहले ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन क्या हैं? पी आर आर और एस। स्टार्टिंग नंबर देखना आपको, स्टार्टिंग किससे शुरू है, किससे शुरू है। आप पी देखो और दो बार आर दिया हुआ है तो आपका फोकस होना चाहिए आर पे। तो आर से मोस्ट प्रोबली आपका आर से ही शुरू होगा, तो आपका ये आर से ही शुरू है। और आपको क्या करना है अभी इसमें, अभी देखो फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने, फर्स्ट पी ऑप्शन क्या दिया इन्होंने, डिड्स इज टू बी। डिड्स मतलब काम, कौन से काम। अभी फर्स्ट पी से शुरू नहीं हो सकता ना, पी से शुरू नहीं हो सकता ये। क्यों नहीं शुरू हो सकता, क्योंकि काम दिया हुआ है काम। अब ये क्या है, नाउन, नाउन से शुरू कैसे होगा, और वर्ब, वर्ब है तो ना वर्ब से भी शुरू होगा। अभी यहाँ पर नाउन है तो इज टू बी। अब टू बी के साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अभी आपको पेयर बनना चाहिए यहाँ पर कि टू बी के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ है, तो इसमें एस है। अभी एस में क्या दिया हुआ है आपका, प्रिजर्व्ड एंड पास्ट, तो आपका थर्ड फॉर्म इसके साथ लिंक बन रहा है आपका पी के साथ एस। और दूसरा क्या है कि डिड्स, डिड्स इससे पहले आपका कौन से काम, द पावर ऑफ नोबल, नोबल, नोबल डिड्स, आपके कौन से नोबल डिड्स, इज टू बी प्रिजर्व्ड एंड पास्ट ऑन द ऑन टू द फ्यूचर। तो आपका क्या बनना चाहिए, अभी आपको पेयर जैसे मिला होगा इसमें। अभी देखो आप पी और एस, पी और एस का पेयर कहाँ पे है, यहाँ पे दिया हुआ पी और एस का पेयर। और आपके साथ में अभी कौन से काम, नोबल डीड्स, तो आर और पी का पेयर कहाँ पे है, इसी में है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, सेकंड ऑप्शन हो गया आपका, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही। और चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस, अभी इसमें पेसिव वॉइस करना है हमें। तो इसमें, तो अभी इसमें पैसिव वॉइस बनाना है हमें। तो पैसिव वॉइस में क्या दिया हुआ है इनमें, एक्टिव जो है शीतल, शीतल विल हैव, शीतल विल हैव फिनिश द वर्क। विल हैव के साथ क्या होगा, थर्ड फॉर्म लगाना है। थर्ड फॉर्म कहाँ है इसमें, आप देखो विल हैव के साथ बीन होना चाहिए, तो विल हैव बीन होना चाहिए। तो विल हैव बीन कहाँ मिलेगा आपको, आप ये ऑप्शन सर्च करो और विल हैव बीन यहाँ दिया हुआ, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अभी इसमें आपको करेक्टली स्पेलिंग बताना है, तो आप इसमें आउटरेज ऐसा, ये तीनों स्पेलिंग अभी ये गलत है, तीनों स्पेलिंग आपकी गलत है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द पार्ट ऑफ, 59 क्वेश्चन, पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर। आपको इसमें से एरर, कॉमन एरर ढूंढना है इसमें, क्या एरर है। तो अभी इसमें सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसीज ऑफ मेटल टुगेदर इज नॉन एज प्रेशर वेल्डिंग। इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसमें नो एरर है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर, ऑप्शन फोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द वर्ड विद अपोजिट मीनिंग बताना है। सी इज सिलेंडर, सिलेंडर इसमें मार्क किया हुआ है तो आपको ये बताना है अंडरलाइन वाला। तो इसका मतलब होता है सिलेंडर का वीक, कमज़ोर जो होता है उसका, इसका अपोजिट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग या स्टाउट। इन दोनों में से आपको अभी चूज करना है कि कौन सा होगा। तो इसके जो एग्जैक्ट मीनिंग जो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा वो स्टाउट होगा, क्योंकि इसको ज़्यादा प्रेफरेंस हम इसी को दे सकते हैं। दोनों का मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, और स्टाउट होता है हेल्थी, हेल्दी रूप में। तो आपको आप ऑप्शन सेलेक्ट करना है वन, तो आपको स्टाउट आपका राइट आंसर रहेगा। फ्रेल आपका क्या होता है, फ्रेल, फ्रेल भी कमज़ोर होता है, तो राइट आंसर आपका स्टाउट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस, एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ऑन, एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच
Each apartment is owned separately by the people living in it, but also containing shared areas. तो इसमें आपका duplex तो double होता है, caravan आपका, car आपका वो होता है जिसमें साधन चलते रहते हैं, बहुत सारे साधन एक बार में चलते हैं, condominium होता है, condominium होता है आपका, ये आपका right answer रहेगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस, आपको इसमें क्या बताना है, अंडरलाइन टॉल स्टोरीज, हर स्पीच ऑलवेज फुल ऑफ ए टॉल स्टोरीज, इसका मतलब क्या है, ये एक आपका एडियम है, एडियम का बताना है जो आप बढ़ा चढ़ा के जो बात करते रहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, एग्जीग्रेटेड टेल्स, कहानियाँ जो बढ़ा चढ़ा के बात कही गई होती हैं उसको बोलते हैं आपका, इसका आंसर रहेगा फर्स्ट। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इज मीनिंग टू द वर्ड अंडरलाइन, तो आप इसका, अर्थक्वेक्स आर फ्रीक्वेंट इन जापान, जापान का तो आपको सबको पता ही है, जापान में तो आते ही रहते हैं तो अर्थक्वेक तो आपका रेयर होगा, इसका आंसर आपको पता ही है, सब लोगों ने ठीक कर दिया होगा इसको तो। और आगे चलते हैं, द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड, इसके साथ में टू का प्रयोग होगा, विजिट ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, तो आपका राइट आंसर रहेगा टू। सी सक्सीडेड किसके, बाय डिंट ऑफ, ये आपका एक डिफॉल्ट वो प्रीपोजिशन फ्रेज है, तो आपका ये बाई इसके साथ में रहेगा, बाई डिंट ऑफ, कहीं भी आपको दिख जाए बाई डिंट ऑफ, बाई वर्चू ऑफ, तो आपको बाई वर्चू यही लगाना है आपको, ये डिफॉल्ट है। पिक आउट द, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, आई हैव बॉट ए हाउस, हैव के साथ हैव का क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, हेड किस में है, थर्ड ऑप्शन, तो राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द बैलेंस है, द बैटल ऑफ वाटरलू वाज वॉन ऑन द प्लेइंग फील्ड ऑफ, राइट आंसर होगा आपका फोर्थ ऑप्शन, ऑन द प्लेइंग फील्ड ऑफ एटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 68, 69, 70 के लिए आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उसको आप रीड कर लें और उसके बाद आप सोल्व करके देखें, आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। बिसाइड्स द वर्ल्ड, बिसाइड द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इंडिया इज, इंडिया इज आल्सो द वर्ल्ड्स सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री, ओके सेवंथ, सेकेंड ऑप्शन। टूरिज्म एज एन इंडस्ट्री आल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू आवर कंट्रीज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, आंसर विल बी फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम अबाउ पैसेज विच मीन्स ए कंट्रीज हिस्ट्री ट्रेडिशन एंड कल्चर इटैक, तो इट मीन्स आपका क्या आंसर रहेगा, फोर्थ ऑप्शन, हेरिटेज, हेरिटेज मतलब विरासत, जो विरासत में आपको मिला हुआ है तो उसका मतलब ट्रेडिशन कल्चर जो हमें मिले हुए हैं उसका मतलब है हेरिटेज, तो ये आपके आंसर थे इनके इंग्लिश के, तो यहाँ पे ख़त्म होता है इंग्लिश का आपका, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।